दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा स्टार्टअप बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ जिसको इंडिया में अभी हाल फिलहाल में कोई भी नहीं कर रहा, लेकिन इंडिया में रहने वाले बहुत सारे लोगों को स्टार्टअप बिजनेस आइडिया की जरूरत है। और दोस्तों खास करके उन लोगों जो वीडियो से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे वीडियो मेकिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया। और दोस्तों आप खुद जानते होंगे आज के टाइम में वीडियोस की बहुत ज्यादा डिमांड है, सो बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर एक प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि पर्सनली मैंने भी उस प्रॉब्लम को फेस किया है और अभी भी मैं फेस कर रहा हूं। तो अगर कोई इस तरीके का स्टार्टअप बिजनेस आइडिया शुरू करता है तो सबसे पहला मैं उसका कस्टमर बनूंगा। और दोस्तों आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको चार स्टार्टअप बिजनेस आइडियाज बताए थे और मैंने कहा था कि इन चारों में से जिसके ऊपर भी मुझे सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो इस स्टार्टअप बिजनेस आइडिया को उन चार में मैंने कवर किया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इस स्टार्टअप बिजनेस आइडिया के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हे दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आपको स्टार्टअप बिजनेस आइडिया बताऊं उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो उसके लिए हम लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं और दोस्तों हम खुद को और हमारी प्रॉपर्टी को सिक्योर करने के लिए अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस लेते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज हम हमेशा भूल जाते हैं जो कि सबसे जरूरी होती है, वो है फायर इंश्योरेंस। अब दोस्तों मान लीजिए मैंने लाखों रुपए इन्वेस्ट करके एक फैक्ट्री खोली या फिर कोई मील खोली या फिर कोई दुकान खोली और वो बहुत अच्छी खासी चल भी रही है, लेकिन किसी कारणवश मेरी फैक्ट्री में आग लग जाती है या फिर मेरे पड़ोसी की दुकान में आग लग जाती है जिसकी वजह से मेरी दुकान में भी आग लग जाती है और दुकान में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है और दोस्तों फायर ब्रिगेड आने तक दुकान में जो भी सामान था सब कुछ जल के खाक हो जाता है। अब दोस्तों इस केस में जो नुकसान हुआ वो पूरा का पूरा मेरा होगा। अगर मुझे फिर से बिजनेस शुरू करना है तो फिर से लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी मैं अपने बिजनेस को फिर से रन कर पाऊंगा। अब दोस्तों सोचिए, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए अगर मैंने मेरे जिंदगी भर की सेविंग या फिर किसी से लोन लेके इस बिजनेस को शुरू किया होगा तो मुझे कितनी ज्यादा परेशानी फेस करनी पड़ेगी। लेकिन जरा सोचो, बिजनेस शुरू करते वक्त ही अगर मैंने बड़े बिजनेसमैन के जैसे सोचा होता और फायर इंश्योरेंस ले लिया होता तो मुझे आज ये दिन देखना नहीं पड़ता और साथ ही साथ में बिजनेस को फिर से शुरू करने के लिए लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ता। सारे नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती। तो दोस्तों अगर आप भी बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज ही अपने बिजनेस के लिए फायर इंश्योरेंस जरूर करवाएं ताकि आपका बिजनेस फ्यूचर के लिए सिक्योर हो जाए। अब दोस्तों अगर आपके मन में डाउट है कि हम फायर इंश्योरेंस कराएं कहां से, तो मैं आपको बहुत ही बेस्ट ऑप्शन बताता हूं और वो ऑप्शन है policybazaar.com। अब दोस्तों मैं आपको policybazaar.com में क्यों सजेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों ये इंडिया में एकमात्र ऐसी कंपनी है जो आपको मिनिमम प्रीमियम में लाखों रुपए का इंश्योरेंस देती है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा policybazaar.com से आप ऑनलाइन और इंस्टेंटली इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि कौन सी पॉलिसी खरीदनी चाहिए तो policybazaar.com की तरफ से आपको एक एक्सपीरियंस सेल्स एडवाइजर भी मिलता है जो आपको फायर इंश्योरेंस से जुड़े सभी सवालों के जवाब प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों अगर आप भी अपने बिजनेस के लिए और अपनी प्रॉपर्टी के लिए फायर इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पॉलिसी बाजार की एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है। इसके अलावा दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली policybazaar.com की वेबसाइट पे जाकर भी अपने बिजनेस और प्रॉपर्टी के लिए भी फायर इंश्योरेंस बुक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं स्टार्टअप बिजनेस आइडिया के बारे में। तो दोस्तों स्टार्टअप बिजनेस आइडिया स्टॉक फुटेज से रिलेटेड है। अगर आप नहीं जानते कि स्टॉक फुटेज क्या होता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए दोस्तों आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर हमने बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे वीडियोस यूज किए, बहुत सारे फोटोज यूज किए, तो उन सबको स्टॉक फुटेज कहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा इंटरनेट के ऊपर ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जिनके ऊपर आपको स्टॉक फुटेज मिल जाते हैं, मतलब छोटे छोटे वीडियोज और फोटोज मिल जाते हैं। अब दोस्तों ये स्टॉक फुटेज की जो वेबसाइट होती है इनमें से कुछ ऐसी होती है जो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और कुछ ऐसी होती है जिसके लिए हमको पे करना पड़ता है। अब जो फ्री ऑफ कॉस्ट वाली वेबसाइट होती है उनके अंदर लिमिटेड स्टॉक फुटेज होते हैं और जो पेड प्लान वाली होती है उसके अंदर अनलिमिटेड स्टॉक फुटेज होते हैं। इसी प्रकार की एक वेबसाइट का प्लान मैंने भी लिया हुआ है जिसका नाम है स्टोरी ब्लॉक। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा उसके अंदर अगर आप एक महीने का सिर्फ वीडियोस का प्लान लेते हैं तो आपको लगभग 3,500 रुपए खर्चा करना पड़ता है। अगर आप फोटो का अलग से लेंगे तो उसका एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, बैकग्राउंड साउंड का लेंगे तो उसका अलग से पैसा देना पड़ेगा, और इसके अलावा अगर आप पूरे साल का लेते हैं तो लगभग आपका 15,000-16,000 रुपए का खर्चा आता है। तो दोस्तों जिस प्रकार मैंने पेड प्लान लिया हुआ है उसी प्रकार इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो क्रिएट करते हैं, जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे वीडियो प्रोडक्शन कंपनी है, उन्होंने भी इसका पेड प्लान लिया हुआ होता है क्योंकि दोस्तों उनको रेगुलरली वीडियोस बनाने के लिए स्टॉक फुटेज की जरूरत पड़ती है। अब दोस्तों हो सकता है आप लोगों के मन में ख्याल आएगा तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर मार्केट में ऐसी वेबसाइट अवेलेबल है जहां पे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में स्टॉक फुटेज मिल जाते हैं या फिर पेड में मिल जाते हैं तो किसी को भी जरूरत होगी तो वहां से ले सकते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखिए दोस्तों जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूं सेम टू सेम वही प्रॉब्लम इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग फेस कर रहे होंगे जो रेगुलरली वीडियोस बनाते हैं,
देखिए दोस्तों, हम लोग जो वीडियो बनाते हैं वो इंडियन ऑडियंस के लिए होते हैं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होते हैं, लेकिन ये जो स्टॉक फुटेजेस होती है इसके अंदर जो वीडियो के अंदर जो एक्टर होते हैं, मतलब जो छोटे छोटे वीडियोज होते हैं उनके अंदर जो एक्टर होते हैं वो इंडियन नहीं होते हैं, वो फॉरेनर होते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो फोटो होती है उसके अंदर भी जो एक्टर होते हैं वो फॉरेनर होते हैं। अब दोस्तों आप जरा खुद सोचिए, हम जो वीडियोज बना रहे हैं वो इंडियन ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, तो अगर उसके अंदर हम ऐसे स्टॉक फुटेज यूज करेंगे जिसके अंदर इंडियन एक्टर्स होंगे तो इंडियन पब्लिक के लिए कनेक्ट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों आप हमारी प्रॉब्लम समझ सकते हैं कि पेमेंट देने के बाद भी हमको वो चीज नहीं मिल पाती जो हमारे लिए जरूरी है। तो दोस्तों अगर ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूं तो मेरे जैसे इंडिया में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो वीडियो प्रोडक्शन का काम करती है, तो उनको भी सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी। लेकिन मार्केट में एक भी ऐसी वेबसाइट अवेलेबल नहीं है जिसके अंदर सिर्फ इंडियन लोगों का स्टॉक फुटेज मिले। अगर कोई ऐसी वेबसाइट अवेलेबल होगी तो उसका सबसे पहला पेड प्लान मैं लूंगा और इंडिया में मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो लेना पसंद करेंगे। सो दोस्तों यहां पे एक बहुत ही जबरदस्त स्टार्टअप बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसका फायदा उठाया जा सकता है। और हम क्या कर सकते हैं, हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं जो स्टॉक फुटेज से रिलेटेड हो, लेकिन उसके अंदर जो भी स्टॉक फुटेज मिले वो सारी की सारी इंडियंस की हो और इंडियंस द्वारा बनाई गई हो, ताकि जो लोग भी वीडियो प्रोडक्शन का काम करते हैं, वीडियो क्रिएशन का काम करते हैं, तो वो लोग ऐसे स्टॉक फुटेज यूज कर सके और अपने वीडियो को और भी ज्यादा क्रिएटिव बना सके। अब दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि मान लीजिए ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड भी कर लेते हैं तो उसके बाद में हमको स्टॉक फुटेज कहां से मिलेगी। देखिए दोस्तों, स्टॉक फुटेज आपको क्रिएट करनी होगी। अगर आप इस तरीके का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको खुद को स्टॉक फुटेज को रिकॉर्ड करना होगा और अपने प्लेटफॉर्म पे डालना होगा। इसके अलावा दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप इंडिया के लोगों को बोल सकते हैं कि आप अपने वीडियोस को हमारे प्लेटफॉर्म पे अपलोड कीजिए, अगर हमको आपका वीडियो पसंद आएगा तो हम आपको उसके लिए एक स्क्रैच कार्ड प्रोवाइड करेंगे और उस स्क्रैच कार्ड के अंदर एक प्राइज मनी होगा। अब दोस्तों मान लीजिए किसी ने वीडियो अपलोड किया तो सबसे पहले वो वीडियो आपकी बैकएंड टीम के पास जाएगा, उसके बाद में आपकी बैकएंड टीम उस वीडियो को देखेगी, अगर सब कुछ सही है, क्वालिटी अच्छी है, तो उसके बाद में उस वीडियो को अप्रूव कर दिया जाएगा। और जब वीडियो अप्रूव हो जाएगा तो कस्टमर को आपकी तरफ से एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा, वो उसको स्क्रैच करेगा और उसके अंदर आप उसको एक सर्टेन अमाउंट पे कर सकते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, गूगल पे में कैसा होता है, हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमको एक स्क्रैच कार्ड मिलता है, उसको स्क्रैच करने के बाद हमको 5 रुपया 10 रुपया 15 रुपया ऐसे मिलता है। तो ठीक इसी तरीके से आप अपने बिजनेस में भी अपने कस्टमर्स को कुछ दे सकते हैं। अब आप कितना देना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, आप चाहें तो 5 रुपया दे सकते हैं, 10 रुपया दे सकते हैं, 15 दे सकते हैं, 20 दे सकते हैं। अब दोस्तों हो सकता है आप लोगों के मन में ये भी ख्याल आएगा कि 5-10 रुपए के लिए क्या कोई वीडियो अपलोड करेगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो लोग भी यहाँ वहाँ घूमने जाते हैं वो लोग अपने फोन से तो वीडियो फोटो तो रिकॉर्ड करते ही हैं और कभी कभी DSLR से भी करते हैं। तो दोस्तों वो लोग क्या कर सकते हैं, जो फोटो और जो वीडियो उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसी वीडियो को आपके प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर सकते हैं, और उसके बाद में अगर आपको वो वीडियो पसंद आता है तो उसके लिए आप उनको कुछ पैसे दे सकते हैं। सो दोस्तों इस तरीके से आपको स्टॉक फुटेज मिल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इस तरीके का बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको खुद को भी वीडियोज रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, वीडियो शूट करने पड़ेंगे और उन वीडियोज को अपने प्लेटफॉर्म पे अपलोड करना होगा। और दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप इस तरीके का बिजनेस शुरू करेंगे तो आपका खुद का इंटरनल प्रोडक्शन यूनिट भी होना चाहिए ताकि आप इजीली सारे वीडियोस को रिकॉर्ड कर सको। अब दोस्तों आप प्रोडक्शन हाउस कैसे खोल सकते हैं, प्रोडक्शन यूनिट कैसे लगा सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको 4 स्टार्टअप बिजनेस आइडियाज बताए थे, उसमें से एक वीडियो प्रोडक्शन भी था और बहुत सारे लोगों ने डिमांड की थी कि वीडियो प्रोडक्शन के ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनाइए, तो वो वीडियो मैं बनाने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड करूं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतना ही जल्दी वीडियो बनाकर मैं इस चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा। अब दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि इस तरीके का प्लेटफॉर्म बिल्ड करने के लिए कितना खर्चा आने वाला है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्टॉक फुटेज की वेबसाइट बनाने के लिए और एप्लीकेशन बनाने के लिए अगर आप किसी वेबसाइट और एप्लीकेशन बनाने वाली कंपनी के पास जाएंगे तो आपका कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा आने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कम बजट में बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, वर्डप्रेस की मदद से भी इस तरीके की वेबसाइट बना सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, यूट्यूब के ऊपर आपको काफी ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसके अंदर बताया गया कि आप स्टॉक फुटेज की वेबसाइट वर्डप्रेस की मदद से कैसे बना सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, वर्डप्रेस की मदद से बनाने के लिए आपका ज्यादा खर्चा नहीं आने वाला है, 15 से 20 हजार रुपए के इन्वेस्टमेंट में आप आसानी से वर्डप्रेस पे स्टॉक फुटेज की वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, अगर आप वर्डप्रेस की मदद से इस तरीके की वेबसाइट बनाएंगे तो स्क्रैच कार्ड का जो ऑप्शन मैंने आपको बताया वो ऑप्शन उसमें अवेलेबल नहीं होगा। अगर आपको स्क्रैच कार्ड वाला ऑप्शन भी इंटीग्रेट करवाना है तो आपको फिर किसी IT कंपनी के पास ही जाना पड़ेगा जो आपको वेबसाइट और एप्लीकेशन बना के देगी, जिसका कॉस्टिंग आने वाला है 1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए के बीच में। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं आपको बताऊं कि कैसे आप वर्डप्रेस की मदद से स्टॉक फुटेज की वेबसाइट बना सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं वीडियो बनाकर अपलोड जरूर करूंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको अभी देखना है तो आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हैं, आपको कुछ ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिनको देखकर भी आप सीख सकते हैं।
अब दोस्तों अगर आप जानना चाह रहे हैं कि इस तरीके का बिजनेस शुरू करने के लिए टोटल कितना खर्चा आने वाला है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों वेबसाइट और एप्लीकेशन बनाने के लिए आपका जो मैंने कॉस्ट बताया वो बताया 1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए के बीच में। इसके अलावा दोस्तों आपको वीडियो प्रोडक्शन यूनिट ओपन करना पड़ेगा जिसके लिए आपको बेसिक सामान तो एटलीस्ट खरीदना ही पड़ेगा, जैसे कि आपको एक DSLR खरीदना पड़ेगा, आप चाहें तो एंट्री लेवल का DSLR खरीद सकते हैं, फिर आपको एक एडिटिंग का सिस्टम बनाना पड़ेगा, लाइट्स खरीदनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत और खर्चा आने वाला है, तो उसके लिए आपका कम से कम 3 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट जाएगा। तो 2 लाख इसका पकड़ लीजिए, 4 लाख उसका पकड़ लीजिए, टोटल हो जाता है 6 लाख रुपया। इसके अलावा दोस्तों आपको एक ऑफिस लेनी पड़ेगी, अगर आपकी खुद की जगह है तो कोई बात नहीं, अगर आप रेंट पे लेते हैं तो आपको हर महीने का रेंट पे करना पड़ेगा, आपको कुछ एम्प्लॉयज को हायर करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ एम्प्लॉयज आप फ्रीलांसिंग बेसिस पे भी रख सकते हैं तो उनको भी आपको सैलरी देनी पड़ेगी, कमीशन देना पड़ेगा, तो इस तरीके के खर्चे भी होने वाले हैं। तो आपके पास मान के चलिए 3 से 4 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल भी होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो आपके पास कम से कम 8 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तो उसके बाद में आप इस तरीके का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों इस बिजनेस के साथ अगर आप चाहें तो वीडियो प्रोडक्शन यूनिट भी खोल सकते हैं, तो उससे फायदा क्या होगा कि आपके आसपास में जो भी छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं उनको आप वीडियोस बनाकर दे सकते हैं। और वीडियो प्रोडक्शन यूनिट के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए, जब भी वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अब दोस्तों आप लोग जानना चाह रहे होंगे कि अगर कोई इस तरीके का बिजनेस शुरू करता है तो वो कितने पैसे कमा सकता है। देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक तरीके का ऑनलाइन बिजनेस है, डिजिटल बिजनेस है, इसमें आप अनलिमिटेड पैसे कमा सकते हैं। फिर भी अगर मैं आपको ऑन एन एवरेज बताऊं तो देखिए दोस्तों जिस वेबसाइट के लिए मैं हर महीने का 3,500 रुपए पे कर रहा हूं, अगर आप ऐसी वेबसाइट बनाते हैं और अगर आप आधा प्राइस भी रखते हैं, 3,500 रुपए का आधा प्राइस होता है 1,750 रुपया, अगर आप 1,750 भी नहीं 1,500 रुपए भी रखते हैं, 1,000 रुपए भी रखते हैं और पूरे ऑल ओवर इंडिया से अगर आपको 1,000 कस्टमर भी मिल जाते हैं तो आपका महीने का इनकम हो जाएगा 10 लाख रुपए का। और दोस्तों जैसे जैसे आपका बिजनेस पुराना होते जाएगा वैसे वैसे आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएंगे, अगर इनकी संख्या हो जाती है 10,000 तो आप महीने का 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, अगर 1 लाख हो जाती है तो आप 10 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों जैसे जैसे आपके सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, मतलब दोस्तों ऐसे लोग बढ़ते जाएंगे जो हर महीने आपको पैसे देंगे आपके स्टॉक फुटेज को यूज करने के लिए, तो दोस्तों जितनी ज्यादा संख्या बढ़ेगी उतने ही ज्यादा पैसे आप कमा पाएंगे। अभी मैंने आपको बहुत ही कम बताया 999 रुपए, अगर आप चाहें तो 2,000 भी रख सकते हैं, 3,000 भी रख सकते हैं। ये जो बिजनेस आप क्रिएट करेंगे इस तरीके का बिजनेस कोई भी नहीं कर रहा है, सो दोस्तों आप अपने आप में यूनिक होंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा पाएंगे अगर आप इस तरीके का बिजनेस शुरू करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछे, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और दोस्तों आप लोगों के लिए पॉलिसी बाजार की एप्लीकेशन का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और साथ ही साथ में वेबसाइट का लिंक भी दे दिया है, तो दोस्तों आप पॉलिसी बाजार का यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए और प्रॉपर्टी के लिए फायर इंश्योरेंस करवाने के लिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कमाने के तरीकों के साथ।